नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। उत्तराखंड के गैरसैंण में 3 दिवसीय युवा विधानसभा का आज तीसरा दिन है। यह अनूठी विधानसभा इससे पहले भी अपने 2 सत्र करवा चुकी है। इस विधानसभा का आयोजन युवा आह्वान के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसी को लेकर आज स्थानीय विधायक कर्ण प्रयाग सुरेंद्र सिंह नेगी इस विधानसभा को देखने पहुंचे। सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना था कि ये विधानसभा वाकई बहुत खूबसूरत है और यहाँ प्रतिभाग करने वाले युवाओं में एक अजीब सी प्रतिभा है जो कि उत्तराखंड के विकास के लिए एक अच्छी बात साबित होगी। इन्हीं सब को लेकर हमारे सहयोगी अरुण नेगी ने इस विधानसभा कार्यक्रम में पहुंचकर युवा विधानसभा के विधायकों और क्षेत्र के स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी से बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरुण जी। इस वक्त हम गैरसैंण में मौजूद हैं और युवा आह्वान जो कार्यक्रम बीती 6 नवंबर को शुरू हुआ था, आज उसका तीसरा दिन यहां पर चल रहा है। इसी को लेकर विधानसभा में आज दिन भर हंगामा चलता रहा और मुख्य अतिथि थे यहां पर यही के स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक है। आज वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने भी इसका लुत्फ उठाया और युवाओं का मार्गदर्शन किया। तो मैं आज सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा और प्रयास को कैसे देखते हैं। सर, पहले तो सबसे पहले आप जो युवा आह्वान की टीम है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये उत्तराखंड युवा विधानसभा का जो यहाँ पे कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये कार्यक्रम चल रहा है और आज मुझे भी यहाँ पे ये कार्यक्रम देखने का मौका मिला। और जिस प्रकार से हमारे युवा लोग निश्चित तौर से जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, आज प्लाइन एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से प्लाइन का मुद्दा उठाया, कृषि का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया, लगता ही नहीं था कि ये लोग जो है युवा इतने परिपक्व हैं अपने आप में। इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ की तमाम समस्याओं को जो आज हमारे विधानसभा में उठाई, जिस प्रकार से हम युवाओं ने, और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से भी जवाब आ रहा था, तो निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत अच्छी पहल संस्था के द्वारा की जा रही है और हमारे युवाओं को यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो उत्तराखंड की भिन्न भिन्न समस्याओं का एक प्रकार से जो इन लोगों को पूरा इसका अंदाज हो रहा है कि हमको कि यहाँ की समस्याओं का निदान किस प्रकार से हो सकता है और जो ये यहाँ पे उठाई जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि युवाओं ने बहुत अच्छी तैयारी की है। जिस प्रकार से ये प्रश्न उठा रहे थे, जिस प्रकार से सरकार से जवाब मांग रहे थे, सरकार के जवाबों पर सवाल भी उठा रहे थे, मंत्रियों को घेर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को प्रतिपक्ष घेर रहा था, तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी की है और इसका एक बहुत अच्छा संदेश युवाओं में जा रहा है। युवाओं का भी अपने राजनीति के प्रति, अपनी मैं समझता हूँ कि समस्याओं के प्रति, जो आज हमारी प्राथमिक समस्याएं हैं उनके प्रति हमारे युवा कितने जागरूक हैं, इससे ये प्रतीत होता था कि सारी युवाओं में जो है हमारी बहुत अच्छा एक एक इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत। सर, आपसे थोड़ा सा एक और चीज जानना चाह रहा था, आज ये कार्यक्रम आपके ही विधानसभा गैरसैंण क्षेत्र में हो रहा है। गैरसैंण वैसे भी बहुत समय से आजाद जी के पहले से भी और राज्य नहीं बना था तभी भी गैरसैंण चर्चा का केंद्र बिंदु था। आज जो युवा है वो जगह जगह के युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी इस गैरसैंण को समझ रहे, तो क्या आपको लग रहा है ये कार्यक्रम का जो मकसद है उससे गैरसैंण को, आपकी जो गैरसैंण राजधानी का सपना है वो उससे साकार हो पाएगा, लोग इसके एक बार फिर से सोचेंगे? ये निश्चित तौर से जो आयोजक है टीसीएस तक उसकी मातृभाषा यानी कि जम्मू कश्मीर की जो भाषा है उसमें एग्जाम दिया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ से IAS PCS कम बनते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाई कराई जाए। जो सब्जेक्ट है, आप हमारा साइंस है या कुछ भी है, वो गढ़वाली में भी पढ़ाई जा सकती है। शिक्षा नीति में बदलाव किया जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या हो रहा है कि मोदे गांव खाली हो रहे हैं, तो प्लाइंस क्या हो रहा है, शहरों में भी बहुत बढ़ रहा है। आप जाइए देहरादून या फिर हरिद्वार ऐसे शहरों में, कितनी वहाँ गर्मी है, क्या कारण है? प्लाइंस बढ़ रहा है, लोग रह रहे हैं वहाँ, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इंजन गर्म हो रहा है, गर्मी हो रही है, जंगल कट रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या करिए? आबकारी मंत्री जी ने साढ़े बोला था, आबकारी मंत्री जी आप बगल में आबकारी मंत्री जी बोला था कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को फोर्स नहीं कर सकते कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाए। फोर्स की बात कौन कर रहा है यहाँ, ये तो लोकतांत्रिक देश है। हम ये बोले कि आप ऐसी नीतियां लाइए जो सरकारी कर्मचारी मजबूर होता है, पैसे लाइए आप, क्योंकि सरकारी क्योंकि चाहे सरकारी कर्मचारी के पास कितना भी पैसा है वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ काम हल्के को कम बदल को। आप नीतियां लाइए, आप ये नहीं बोल सकते कि हम फोर्स नहीं कर सकते, आप नीतियां लाए, क्यों नहीं ला रहे हो नीतियां, किसकी गलती है ये? अगर आप ऐसे बोलो किसकी गलती है? रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।